बस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं धनोलटी और श्रीकुंडा देवी मसूरी, और हम साथ में हैं अजय है और आदेश है, एक बॉबी भाई है हमारे, ये इनकी हमने गाड़ी बुक करी है। और ये आदेश पीछे निकल गया, बाहर गया, पीछे पारस भैया खड़े हैं गाड़ी ले करके, उसमें भी हैं अनिल भैया हमारे साथ में, पारस भी अनिल भैया साथ में, और हम मेरठ में उनका वेट कर रहे हैं बाईपास पर, वो पीछे है। और बाकी हम आपको अपडेट करेंगे आगे चल करके। बस देखो ट्रिप अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा मलाल रहेगा, गोलू जी हमारे साथ है नहीं, हमारे भाई है तुषार, वो किसी कारणवश पता नहीं क्या बात बनी, वो उन्होंने अचानक मना कर दिया, पहले तो सब कुछ तैयारी थी। बाकी मिलते हैं, देखो बात करते हैं आगे चलते चलते, बात करेंगे। और अब हम आ गए यहाँ पर, और देखो सारे भाई साथ में हैं, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, सब कुछ देखे आप, और पूरा मसूरी का नज़ारा देखिए। पारस भैया आदेश भैया देखो बिल्कुल शूट कर रहे हैं अपना, और मजा आ रहा फुल फुल मजा आ रहा, हमारे भैया हैं। ठंड यहाँ पर पूरी ठंड है, जैसे जो लोग सोचते हैं हमारे यहाँ पर, मेरे जवान भी लड़कर आ रहे पूरी ठंड में, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा वाली ठंड है। हम आ गए यहाँ पे एक होटल में पूछने गए हैं रूम के लिए, और बहुत ही ऊपर है, और शायद रूम का जुगाड़ हो पाए नहीं हो पाए। हमारी दोनों गाड़ी खड़ी हैं, दोनों गाड़ी हमारी खड़ी हैं, एक ये है बोरा और एक ग्रैंड आई टेन है, और ये होटल में रूम के लिए पूछने गए हैं। मसूरी का नज़ारा नीचे का देख रहा हूँ, गाड़ी आ रही है, बहुत तेज गाड़ी जा रही है, और रूम का अभी पता करने गए हैं, रूम मिलने गए हैं यहाँ पे, कुछ पता नहीं हमारे भैया रूम के लिए बैठे हैं, रूम मिल ले रहा है। जय मैडम हमारी बैठी है, रूम घूमना है मिलना। जय मैम की तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बोल रही है कि जल्दी से रूम का इंतजाम किया जाए। रूम के लिए हम बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन रूम मिल ले रहा है, रूम ज्यादा हो रहा है, अंधेरे बैठे हैं। तो बाहर तो आओ, हवा तो बाहर लग रही है, हमें सबसे बोल रहा हूँ बाहर आओ, गलती पहले वाली हो गई, अब भाई बाहर तो आओ एक बार। क्या हुआ रूम का? रूम नहीं है भैया, रूम नहीं है,
भैया बाहर आना एक बार। हिमानी मैडम हमारी बाहर आ गई हैं और अब क्या करें। जय मैडम आ गई। जय मैडम, ठंड का कैसा नजारा आपको लग रहा है बताए। एक मिनट आप छोड़, एक बार बताए आप कैसा नजारा आपको लग रहा है। भैया हमारे आ गए हैं और देखिए मैडम एक बार तो देखो कितना नजारा अच्छा, देखो उधर वाला जगमगा रहा है। और हिमानी मैडम हमारी, जय मैडम बाहर आ गई हैं और ठंड तो बहुत तगड़ी वाली है भैया, क्या करें। यहाँ पे मसूरी भैया कहाँ पे आ गए हम रूम में जा रहे हैं। आपने सबने रूम ले लिया और हम नीचे जा रहे हैं और बहुत मुश्किल से रूम मिला है हमें। देखो पूरा सुनसान एरिया और ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा वाली। नीचे हम जा रहे हैं, जय मैडम हिमानी मैडम जा रही है नीचे। नीचे बहुत रूम है, गले सबके खराब हो चुके हैं। एक रूम तो ये है और इस रूम में चले गए सब अंदर। एक रूम ये है हमारा। सुबह से हम निकल रहे हैं होटल से और नहाते हुए हम रेडी हैं और बहुत ही ठंडा पानी था। सारा मेरे से गलती हो गई, मेरे कपड़े भी ठंडे हो गए। सारा मैंने सोचा गीजर का पानी हो गया होगा ठंडा, वो गर्म और सारा निकला ठंडा और मैं सुन्न हो गया पूरा, बहुत ज़्यादा ठंडा का सुनते हैं। सोचते हैं लोग वाह कैसे आ गए भैया मसूरी, आ गए आ गए भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और भैया ऊपर और हम निकल रहे हैं सिरगुंडा देवी मंदिर के लिए। और भैया बहुत नीचे था होटल और हम पहुंच गए। धूप तो दोस्तों बाहर बहुत है बट सूखी ठंड है, सनजला हो चुका। ये रही हमारी गाड़ी, ये रही हमारी गाड़ी, ये खड़ा आधे सर पारस और बाहर का फुल नज़ारा। और आ गए भैया हमारे, अब पूरी टीम पता नहीं पीछे रह गई है। अभी यहाँ से हम ऊपर जाना धनौल्टी, अब पूरी टीम आ चुकी है, पूरी टीम आ गई है। चलो भैया, चलो भैया चलो, रोड को देख कर आराम से आ जाओ। गाड़ी आ रही है, जल्दी आ जाओ। शेर बना लो, शेर शेर नहीं तो ले लो। अबे अजय सब जने हम और हम निकल चुके हैं, निकल चुके क्या निकल रहे हैं हम सरकुंडा देवी के लिए। मसूरी से ऊपर है उल्टे का दोस्त, आपको बोर्ड दिख रहा है ऊपर जाना हमें और खड़ी दूसरी गाड़ी। ओ भारत जी हम आने वाले हैं, आ जाओ। हम तो निकल गए। अब बोलो सियावधि रामचंद्र की जय, महाबली हनुमान की जय। धनौल्टी से भैया दोस्तों, धनौल्टी 29 है और उसके ऊपर 11 किलोमीटर ऊपर है सिरगुंडा महादेवी का मंदिर। और देखो नीचे का व्यू कितना कैड़ा आ रहा है और ऊपर दोस्तों बादल ही बादल दिखेंगे। टाइम से पहुंच गए तो नीचे बादल ही दिखेंगे आज। नहीं बाढ़ रुक गई और हमने यहाँ पे थोड़ा व्यू देखना देख रहा। आंटी की दुकान पर रुके हम, अरे हमारी गाड़ी है पूरा सब उतरे दोस्तों। अगर मसूरी आओ, मसूरी से ऊपर आओ सिरगुंडा देवी के लिए, अगर जाओ धनौल्टी के लिए तो आंटी की शॉप पड़ती है ये और हम यहाँ मैगी खा रहे हैं। आंटी की मैगी थोड़ा कॉस्टली है लेकिन आंटी ने क्या बोल दिया, हमें 50 रुपये की दे देंगे, 60 रुपये की बोला था। हम 8 जने हैं सिरे में फेस वो, हाँ मेरे पे लग गई है पंखा ठा गया पानी। और भैया हम यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मसूरी देहरादून वाले रास्ते में है, पहाड़ व्यू देखो दोस्तों। ये आ जाए चल दिया, भैया आ रहे हैं, भैया कर रहे हैं 3 घंटे की मूवी शूट। और ये बैठे भैया हिमानी मैडम, जय मैडम। और अब भैया खाना खाने के लिए रुके हैं और ऊपर जाएंगे फिर खाने लगे हैं। खत्म हो गया तो खत्म ना बच रहा है, पराठा है, पराठे में नमक हो गया थोड़ा तेज है ना, नमक तो तेज है सब तेज है। मैं नमक तेज है। गाइस बहुत ऊपर आ गए हैं और ये व्यू है। अभी झूले के लिए भी ना, हिंडोले के लिए भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा और हिमानी मैडम की हालत हो गई ख़राब।
जय मैडम, थोड़े एनर्जी में आई है, ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ। और देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं, देवी मंदिर, और हम आपका पीछे का वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हम घर आ गए हैं और आराम से सब जने अपने अपने घर चले गए, और सबका ट्रिप बढ़िया रहा है, कोई टेंशन किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जया मैडम को और हिमानी मैडम को थोड़ी दिक्कत हुई थी, और मैं भी घर आ गया हूँ। थोड़ा मेरे पेट में दिक्कत हुई है जब से मतलब वो ऑपरेशन कराया था मैंने अपने गल ब्लेडर का, तो थोड़ी गैस वैस की प्रॉब्लम मुझे रास्ते में हुई है, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं, घर आ गया आराम से। और दोस्तों सभी सही से आ गए हैं, बस बढ़िया रहा ट्रिप, कोई टेंशन नहीं है, और सब अच्छे हैं। दोस्तों आप भी अच्छे रहें, सब अच्छे रहें, और मैं वीडियो डालता रहूँगा आपको। गुड नाइट, बाय दोस्तों।